अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद कब सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और अभी जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग कर चुकी हूँ, बल्कि एक सूट डाल दिया और मेरे जो पर्सनल चीज़ ये जो मुझे चाहिए वो मैंने डाल दी है। उसके साथ लैपटॉप जो है ना उनको भी अपनी बैग में रख दिया है, क्योंकि अभी हम जो है जा रहे हैं ताइफ, निकल रहे हैं घर से। और रास्ते में जो है ना, कल मैंने आप लोगों को बताया ना कि लैपटॉप देना है दूसरी ब्रांच में जहाँ एप्पल सर्विस है वहाँ। सो अभी जो है पहले हम वहीं जाएंगे लैपटॉप देख के, उसके बाद जो है ना हम निकलेंगे ताइफ के लिए इंशाल्लाह। आई गेस एक रात या दो दिन रहेंगे इस तरह का। सो बस उस हिसाब से मैंने चीज़ें पैक की हैं। और वैसे भी आजकल जो है ना मैं जो व्लॉग बना रही हूँ सो उसमें जिन्हें इतने मैंने रोड की वीडियोस बनाई ना, आई गेस अगर आप लोग खुद जिद्दा जाओगे ना तो आप लोगों को भी रोड याद आ गए होंगे। सो क्या करूँ, मैं जो है ना ऐसे ही होता है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ जैसे आप लोगों को बता देते ना कोई रूटीन है नहीं। तो जब भी टाइम मिलता है हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो बस उस रोड की उस चीज़ों की जो है ना मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने नोट किया था कि जो भी मेरे व्लॉग्स हैं ना उसमें रोड ज़्यादा आता है। एनीवे तो बस यहाँ जो है हम अब जा रहे हैं पहले लैपटॉप को देने के लिए। सो इंशाल्लाह पहले वो देख के उसके बाद जो है ना हम जाएंगे ताइफ। और वैसे भी इस व्लॉग में तो और भी ज़्यादा सीन्स है रोड के, क्योंकि इसमें जो है ना ताइफ की बहुत से खूबसूरत रोड, क्योंकि वो हाई प्लेस है ना, तो जिस तरह माउंटेन में चलते हैं ना उसी टाइप का रोड है। और आज जो है ना पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि मेरा गला जो है ना थोड़ा सा अजीब हो गया, आई मीन चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ मेरी चेंज हो गई है। खैर अभी जो है हम जा रहे हैं लैपटॉप देने के लिए। थोड़े से सीन्स है रोड की जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा, ये बिल्डिंग है ना, ये हाजियों की बिल्डिंग है, किसी ज़माने में यूज़ होता था ये। इसकी जो है ना मैं दोबारा वीडियो बनाई है, मेरे ख्याल में एक व्लॉग में मैंने बनाया था लेकिन आप लोगों को बताया नहीं है। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है ना हाजियों के किसी ज़माने में इस तरह होता है कि हाजियों को जो है ना यहाँ उतार के फिर बसेस से के थ्रू जो है ना उनको मक्का लेकर जाते हैं। और ये जो ओल्ड साइकिल है ना, अच्छा मेरे भाई बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस साइकिल को कहते हैं कि आदम की साइकिल है। सो मुझे तो इस बात पर बहुत हंसी आ रही थी, सीरियसली मुझे यकीन नहीं आया कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये तो आदम की तो नहीं है, ये तो ऐसे ही बनी हुई है, क्या कहते हैं शॉप एज अ शो पीस। सो मुझे जो है इस बात पर बहुत हंसी आई थी। एनीवे तो बस अभी जो है हम जा रहे हैं जरीर और वहीं लैपटॉप देख के उसके बाद जो है ना हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और फिर लैपटॉप देख के उसके बाद जो है ना हम निकल गए वहाँ। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और इस तरह के यू नो रूल्स होते हैं उनके, तो बस वहाँ जो है ना हम बिज़ी थे ना, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था, आई गेस 20-25 मिनट लगा था वहाँ बस इस तरह के कामों में। और फिर जो है ना हम निकल गए।
यहाँ जो है मैंने इस माउंटेन को इसलिए जूम किया क्योंकि हमें जो है ना वहाँ ऊपर जाना है जहाँ आप लोगों के छोटे छोटे वाइट नज़र आ रहे हैं ना घर या इस तरह की टाइप के, तो हमें जो है ना वहीं जाना है। तो मैंने थोड़ा सा जूम करके सोचा आप लोगों को दिखा दो कि हम कहाँ तक जाएंगे, और ये जो ब्रिज है ना इसमें भी हम थोड़ी देर के बाद जो है ना ऊपर जाएंगे। सो राइट नाउ जो है ना मैं इस तरह नीचे है और रास्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन एक बिल्कुल भी सीधा नहीं था, या तो राइट ले हो रहा था या तो फिर लेफ्ट, या तो बिल्कुल राउंड की तरह जो है ना घूम के हमें जाना था। तो बस रोड तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा था सबसे ज़्यादा, और नीचे काफ़ी नीचे अगर आप रोड के साइड से देखोगे ना तो काफ़ी नीचे था, लेकिन हमने वीडियो ना वहाँ बनाई नहीं क्योंकि पहली परमिशन थी, अब जो है ना परमिशन नहीं है रोड पर इस तरह से खड़े होकर वीडियो बनाने की, सो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को दिखा ना सकी और बस ऐसे ऊपर ऊपर से जो है ना मैंने वीडियो बनाई। और ये जो रोड है ना इतना डेंजरस है, अच्छा ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इतना डेंजरस है क्योंकि हम कार के अंदर हैं, लेकिन अगर आप खुद कार के अंदर बैठो ना तो एक मिनट के लिए जो है ना कार सीधी नहीं चलती, या तो बिल्कुल टर्न होता है या तो फिर नीचे होता है या ऊपर इस तरह की टाइप का है। सो बस अभी जो है ना हम पहुंचने वाले हैं।
यहाँ जो है ना ऐसे फ़नी सीन हुआ था, प्रेशर की वजह से जो है ना चिप्स के जो शॉपर थे ना वो फुल एयर से क्या कहते हैं मींस टाइट हो गया था प्रेशर की वजह से, तो मुझे जो है इतनी हंसी आ रही थी, अगर मैं खोलूँगी ना तो बिल्कुल धमाके की तरह जो है ना ये फट जाएगा। सो मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं इंसान की बॉडी को भी इस तरह कुछ होता है या ना, जब हम इस तरह की हाइट पे चले जाते हैं तो शायद हमारी बॉडी को भी कुछ होता होगा। सो बस हाँ, हमारे कान जो है ना वो बार बार बंद हो रही थी और खुल रही थी इस तरह के, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दूसरी चीज़ों को भी असर होता है। और ये जो चिप्स है ना मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, एक पैकेट मैंने लिया था रास्ते में, मैंने सोचा था कहीं हम खा लेंगे क्योंकि हमारा जो ट्रेन है आई मीन कि हमारा जो जहाज़ था ना वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम का था ना, तो हमने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने चिप्स और इस तरह की चीज़ अपनी पर्स में रखी। सो मुझे पूरे सफ़र में ज़रूरत नहीं पड़ी और आज जो है ना मैं अपने साथ भी लेकर आई, मैंने सोचा शायद इसकी जी नज़र पड़ेगी। ارشاد الله خليك يوسف، لا صح لك لانه ما في يوسف مره يقرب برا وبعيد على اي حركه. احنا جايين और ये जो जगह है ना इसका नाम है अशिफा और यहाँ जो है ना काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है, काफ़ी हाई माउंटेंस पे है और यहाँ होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, प्ले एरिया भी है, मॉस्क भी है, हर चीज़ मीन आपको यहाँ अवेलेबल मिलती है। और उसके साथ जो है ना यहाँ मॉन्कीज़ भी काफ़ी थे, काफ़ी लोग इसको खाना भी दे रहे थे लेकिन हमने खाना नहीं दिया क्योंकि ये ऐसे है कि आपके हाथ से जो है ना चीज़ स्नैच करके भाग जाते हैं, तो हमें डर लग रहा था इसलिए हमने उनको खाना नहीं दिया। एनीवे तो यहाँ जो है ना हमने रूम भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन सारे के सारे होटल्स बुक थे, अगर हमने आफ्टरनून के टाइम पहुँच जाते तो शायद हमें रूम मिलता, लेकिन हम थोड़े से आफ्टरनून क्या टाइम लगे 3 o'clock ऐसा क्या टाइम था जब हम पहुँचे तो उस वक्त जो है ना सारे होटल्स बुक थे। तो हम जो है ना अब नीचे जाएँगे ताइफ की तरफ और हाँ यहाँ जो है ना काफ़ी सर्दी थी, मौसम बहुत अच्छा था दिन को जब हम पहुँचे थे ना आफ्टरनून के टाइम पर, तो उस वक्त था 21 टेम्परेचर था
और अभी जो है ना ऐसी सर्दी लग रही थी हमें, हम सोच रहे थे अगर हमारे पास कोई स्वेटर होता या कुछ पहनने के लिए कुछ होता ना तो ज़्यादा बेहतर होता, इतनी सर्दी लग रही थी, बिल्कुल हाथ पांव जो है ना ठंडे हो रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट वेदर था जिद्दा से तो ऐसा फील हो रहा था कि हम बॉयल हो रहे हैं और यहाँ जो ना मौसम बहुत अच्छा था। एनीवे तो अभी आगे भी काफ़ी कुछ है, हम जाएंगे ताइफ की तरफ, होटल भी बुक करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यही तक था, मेरी आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।